always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat. हाँ जी, तो हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे. ये है हमारा क्यूट सा होम स्टे. दिस इज कॉल्ड मुनरो आइलैंड बैक वाटर्स होम स्टे. बहुत ही क्यूट है. एक रूम उधर है, एक रूम उधर है, और ये इनका प्ले एरिया, डाइनिंग एरिया, ये छोटा सा सेटअप. होम स्टे थोड़ा सा पीछे की तरफ में है, तो हमने थोड़ा आगे गाड़ी लगाई हुई है. एक छोटी सी पतली सी गली थी, वॉकेबल, क्यूट सी, वहाँ से वॉक करके ऊपर आए हैं हम लोग. सो शाम जस्ट रोड क्रॉस करके बैक वाटर्स हैं. सो हम लोग शाम में जाएंगे सनसेट देखने के लिए थोड़ा सा, राइट? हाँ बोल. गुस्सा आ गया था मुझे. और हम लोग कल सुबह जाने वाले हैं. दे लीव एट अराउंड 5:30 फॉर फॉर द सनराइज बैक वाटर्स थिंगी. सो हम लोग उसके लिए जाएंगे. सनराइज के लिए 5:30 बजे जल्दी उठेगा. गुड मॉर्निंग. सुबह के बज गए 5:30 और मैं रेडी हूँ. सरप्राइजिंग नंदन भी रेडी है. तो हम लोग जा रहे हैं, तो दो चीज़ें अवेलेबल थी, एक है कयाकिंग और एक है कनूइंग. कयाकिंग जो है दैट इज़ 10 किलोमीटर्स लॉन्ग. तो बहुत यूजुअली ऐसा होता है कि लोगों की काफ़ी ऐसा होता है कि लोगों की थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, एंड तो इसलिए हम लोगों ने और वापस आना पड़ता है हम लोग को. तो इट्स मिस फॉर अदर्स हु वांट टू कंटिन्यू एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसलिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल के लिए कनूइंग चूज़ किया है, और सनराइज़ देखेंगे, कनूइंग करेंगे और फिर वापस आएंगे. दैट विल ऑल्सो टेक अ कपल ऑफ आवर्स, 2-2.5 घंटा लगेगा. सो हियर वी गो. हम लोगों ने अपनी बोट राइड कलडा रिवर से स्टार्ट की थी. दिस इज़ अ वेरी आइकॉनिक रिवर. यहाँ पे ओणम के बाद देर इज़ अ रेस दैट इज़ कंडक्टेड, एंड दैट इज़ अ स्पेक्टेकुलर रेस. यहाँ के जो एयरबीएनबी के ओनर्स थे, दे शोड सम फोटोग्राफ्स एंड इट लुक्ड एब्सोल्युटली अमेजिंग. अंकल दे हैप्पी नाउ नंदा. सुबह सुबह चाय मिले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाय में से. ले इलायची वाली चाय. इलायची वाली चाय. हाँ चाय एंड ब्यूटीफुल नज़ारा. और इसी चाय के साथ आ गई खतरनाक बारिश, मतलब सेकंड्स में इतनी तेज. तो फाइनली अंकल नोटिस दैट आई वॉज डूइंग नथिंग ऑन द बोट, तो ही गेव मी दिस चप्पू एंड ही आस्क्ड मी टू गेट ऑन टू वर्क. बट नहीं, ऑनेस्टली इट वॉज सो मच फन, एंड नंदन डिड नॉट गेट टू डू दिस. Now we are going to enter the very famous Ashtamudi lake. Ashta means 8 and mudi means branches. So obviously this is a very beautiful lake with 8 incoming streams. This sprawl of this wood breathing tree. Oops, yes. Yeah. And we have entered the mangrove jungle. तो इसी के साथ फिर से हो गई है बारिश शुरू. कोकोनट फाइबर बना रहे हैं हम लोग. रिक्वायर यूजिंग द कारपेट
and mud. Okay. See the ropes there? The banana rope. We are done with our canoeing. भयानक ही प्यारा एक्सपीरियंस है ना, बहुत जबरदस्त मजा है, बहुत ही मजा है। तो कनोइंग और कायाकिंग में ऐसा है, मतलब ये जो अंकल ने बताया हम लोग को, वो ये है, शिकारा भी है यहाँ पे, पर शिकारा पूरा कवर्ड मिलेगा आपको, सो यू विल नॉट बी एबल टू सी द टॉप पोर्शन। कनोइंग में आपको लिटरली लाइक लिटरली वो जो घर है और बैक वाटर्स है उसके बीच बीच में से ऐसे घुसा के लेके जाते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर, मतलब आपने अभी देख ही लिया होगा फोटोज पूरा। और कयाकिंग में थोड़ा और ओपन स्पेस में रहता है, जो हम लोगों ने लेक वाला पूरा एरिया देखा था या हम लोगों ने जो स्टार्टिंग ली थी वो सब जो रहता है वो कयाकिंग में रहता है। तो बोथ हैव टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। अभी तो कनोइंग बहुत अच्छा लगा हम लोग को, बिकॉज वो अंदर से छोटी छोटी गलियों और स्ट्रीम्स में से निकल के बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो दैट्स प्रीटी मच इट। मुनरो आइलैंड में ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। रेस्ट ऑफ द डे वी वुड बी एक्चुअली वर्किंग, बिकॉज एज यू ऑल नो दिस इज अ वर्क फ्रॉम वेकेशन ट्रिप। और बस अब कल निकलेंगे मुन्नार के लिए, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।